बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो कॉल लेटर्स, ज्वाइनिंग लेटर्स जारी कर दिए गए हैं, और उसके हवाले से मैं आपको तमाम डिटेल बताऊँगा। तो आपने ये हमारी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न भी बाकी ना रहे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर नई आने वाली अपडेट अब तक पहुंचती रहे। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप के कॉल लेटर कब तक आते रहेंगे। तो कॉल लेटर आपके 23 तारीख तक आते रहेंगे। 23 तारीख आखिरी है, और इस तक आपके अगर कॉल लेटर आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप तक पहुंच गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हेडक्वार्टर से कॉल या SMS भी किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे अगर कॉल लेटर अगर हमको नहीं मिलता पोस्ट ऑफिस के ज़रिए तो हमारा क्या होगा। तो आपको बिल्कुल कॉल और SMS भी किए जाएंगे। तो आपने जो 7 चीज़ें लेकर जानी है वो मैं आपको भी आगे वीडियो में बता देता हूँ। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो आपकी ट्रेनिंग कब है? तो ट्रेनिंग आपकी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी, वो भी कराची। तो आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपने चीज़ें क्या क्या साथ लेकर जानी है। तो मेरे पास पिक्चर पड़ी है ज्वाइनिंग लेटर की। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ लेकिन आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी है। एक तो आपने हेपेटाइटिस ए और बी का टेस्ट लेकर जाना है, ठीक है। तो आपने ये किस हॉस्पिटल से लेना है? तो DHQ हॉस्पिटल से लेना है। और अपने जो ज़िला का अगर आपको अस्पताल मिल जाए तो आप वहाँ से ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपने दूसरा ये है कि इस पर आपने स्टाम्प पेपर भी एक लेकर जाना है जिस पर आपने ये मेंशन, ये आप ज्वाइनिंग लेटर आप स्टाम्प फ्रोश को आप दिखाएंगे तो आपको वो आसानी से बना कर दे देगा। तो उसमें ये लिखना ये है कि मैं अगर ये 5 साल तक अगर ये नौकरी छोड़ दूंगा तो मुझे मतलब जो जुर्माना होगा, मतलब पिछले साल 50,000 था तो इस साल हो सकता है 60,000 हो या 70,000 हो, तो वो आपको जमा करवाना होगा। और दूसरा आपने एक साथ हलफनामा भी लेकर जाना है। और हलफनामा पर जो मतलब मेंशन होगा तो वो भी आपको वो स्टाम्प फ्रोश ही देगा। तो आपने उसे बताना है कि हलफनामा भी मैंने अपने साथ लेकर जाना है। तो आपकी ये जो नीचे लिखी हुई है कि एकेडमिक मतलब आपकी ट्रेनिंग का लिखा हुआ है 15 मार्च 2023 9 बजे आपने जाना है उधर। तो और भी अगर कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिलते रहेंगे वो 23 तारीख तक मिलते रहेंगे। और किन लोगों को आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लोग मतलब उन्होंने इजी अपना जो मजमून था वो भी सही लिखा है और जो सवालात बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं तो उनको कॉल लेटर जारी किए जा चुके हैं। और खुशखबरी की ये बात है कि इसमें मतलब 100 बंदे में से 90 लोगों को कॉल लेटर
दिए जाएँ, तो आपने परेशान नहीं होना। काफ़ी ज़्यादा लोग जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनको कॉल लेटर शुरू कर दिए गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपको कॉल लेटर उम्मीद है कि 2-4 आज 18 तारीख मेरे ख्याल से है, तो आपको इंशाल्लाह ये 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कॉल भी आएगी और SMS भी हेडक्वार्टर की ऑफिशियल नंबर से आएगा। तो मज़ीद हमारे इस अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो मज़ीद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।